हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शेंडी लर्नर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं आप कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रोग्राम को अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से चला सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, इसमें बहुत सारी बारीकी से जो है आपको देखना होगा, तभी आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे टैली दिया हुआ है, फोटोशॉप दिया हुआ है, या फिर एमएस ऑफिस है, या टाइपिंग मास्टर है, या और अन्य कोई भी प्रोग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको इसमें मैं टैली देने वाला हूँ और टाइपिंग मास्टर और हिंदी टाइपिंग मास्टर, दो चीज़ मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, इसमें दोनों को आप जो है यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है, प्ले स्टोर से आपको जेड अचीवर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जेड अचीवर करके दिया हुआ है, आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपना जेड अचीवर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देखिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे डाउनलोड होगा आपको यहाँ ओपन में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज एमुलेटेड करके दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद देखिए जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रार फाइल का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपने डाउनलोड फाइल में मूव कर लेना है। मूव कर लेना दोस्तों इस तरीके से, यहाँ पे देखिए सीएनडी लर्नर रार करके दिखाई दे रहा है, ये पांचवें नंबर की जो ऑप्शन है। तो जो फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए रहेंगे उसमें आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करके दिया हुआ है, यहाँ पे जो पासवर्ड, इसका जो पासवर्ड जो है वीडियो में कहीं पे दिया हुआ है, आप जो है वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से अंत तक देखिए, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है पासवर्ड को इंटर कर लेता। तो देखिए दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, स्टेप बाय स्टेप, कहीं पे आपको मिस नहीं करना है, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीएनडी लर्न करके एक 6 फाइल की जो है नई फोल्डर आ गया। तो आपको इसमें ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये com.iltest करके दिया हुआ है, इसको आपको ऐसे क्लिक किए रहना है। अब देखिए यहाँ से आपको कट कर लेना है, ऐसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन जो है एमुलेटेड 0 डाउनलोड में आपको क्लिक करना है। अब फिर यहाँ से देखिए डिवाइस स्टोरेज करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे एंड्रॉइड में चले जाना है। एंड्रॉइड में आने के बाद देखिए ओबी फाइल में आपको आना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इस तरीके से, और इसमें इंटर करके देख लेना है ये वाली फाइल है कि नहीं। तो इसको मैं स्केप कर लेता हूँ, फिर स्केप ऐसे बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद देखिए मैं वापस इसमें डाउनलोड में आ जाऊँगा। डाउनलोड में आने के बाद देखिए यहाँ पे सीएनडी लर्न दिया हुआ है, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए मेरा पहला काम होता है हेक्सागियर विंडो एमुलेटर्स पे करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए इंस्टॉल वाली ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ से इंस्टॉल में क्लिक करना। जैसे इंस्टॉल में क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा तो आपको वेट करना होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको ओपन में क्लिक कर लेना है, ये जो इंस्टॉल करने के टाइम पे ऐड आता है, यहाँ पे कुछ परमिशन आपसे मंगा जाएगा, इसको अलाउ कर लेना है। अब ये जो है इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है किसी के फ़ोन में 1 मिनट या 2 मिनट भी लग जाए, तो आपको वेट करना होगा। और देखिए दोस्तों आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, अगर आप कहीं पे भी स्टेप चूक करते हैं तो आपसे जो है इंस्टॉलेशन नहीं होने वाला है, और जो है वीडियो में जो पासवर्ड दिया हुआ है वो भी आपको नहीं दिखने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको कंटिन्यू जो है लगातार आप देखते रहिए। वीडियो की पूरी स्क्रीन में जो है पासवर्ड करके शो होगा, आप वहाँ से जो है पासवर्ड को लिख सकते हैं और फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा सा समय लेता है, किसी किसी फ़ोन में जो है इसकी जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है वो उसकी फ़ोन की जो है प्रोसेसर और रैम पे आधारित है। अगर आपकी प्रोसेसर और रैम काफ़ी अच्छी है तो फास्ट तरीके से जो है इंस्टॉल हो जाता है। आप कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को इसमें रन कर सकते हैं, चाहे फोटोशॉप हो या कॉरल ड्रॉ हो। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट दिया हुआ है इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों जो फाइल है उसको आपको डाउनलोड में ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल न्यू करके दिया हुआ है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए ऐसे नीचे की ओर ले आना है। यहाँ पे देखिए अदर ऐप करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए ये सीएनडी लर्न करके दिया हुआ है, इसमें आया है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 फाइलें मिलेंगी इंस्टॉल करने के लिए। एक टाइपिंग मास्टर दिया हुआ है, यहाँ पे सोनम टाइपिंग दिया हुआ है। टाइपिंग मास्टर जो होता है इंग्लिश टाइपिंग होता है, सोनम टाइपिंग जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, 3रा नंबर टैली दिया हुआ है, आपको टैली में क्लिक कर लेना है। आपको तीनों को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको टैली को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आप अपने फ़ोन में टैली किस तरीके से रन कर सकते हैं या चला सकते हैं। टैली जो होती है काफ़ी बड़ी सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग जानते हैं टैली जो होता है बिजनेस लाइन में काम आने वाला होता है। तो आज मैं आप लोगों को टैली और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग या टाइपिंग मास्टर, तो देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस जो है आपको देखने को मिल जाता है डिफॉल्ट कंट्रोल्स करके। और टैली जो है आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए आ गया, तो मैं इसको कहीं पर क्लिक कर लेता हूँ, अब ये जो है चला गया। तो चलिए मेरा टैली जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट में क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ से इंस्टॉल में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे इंस्टॉल में, ये देखिए आपका सेटअप जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो है ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फिनिश में क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर आप थ्री फिंगर करेंगे तो ये ऊपर में कुछ कंट्रोल्स दिया हुआ है वो चला जाता है। तो इस तरीके से आप थ्री फिंगर जो है यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, ये चला गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है टेली ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए टेली को ओपन होने में कुछ समय लग सकता है, तो आप जो है क्या करना, थोड़ा सा इनका वेट करना। अब वेट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा टेली आ गया। आप यहाँ पे टू फिंगर से इसको जूम कर सकते हैं इस तरीके से ड्रैग करके। तो यहाँ पे फोर मोर करके दिया हुआ है रेड कलर में, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फोर मोर करके दिया हुआ है। अगर आप जो है कीबोर्ड का जो है प्रयोग कर रहे हैं तो माउस जो नेविगेशन होता है उनकी मदद से फोर मोर ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोर मोर दिया हुआ है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। आप देख सकते हैं ये वर्क इन एजुकेशनल मोड करके दिया हुआ है, मैंने ये फोर मोर में क्लिक किया था तो ये तीसरे नंबर पे आ गए। अब आपको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में डबल टैप करेंगे तो ये ओके का काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थ्री फिंगर को ऐसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो ये कीबोर्ड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका कीबोर्ड में ये जो बैक होता है वो बैक का काम आता है, और ये यहाँ पे इंटर दिया, इंटर का काम आता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड आ गया आपका। यहाँ से आप जो है गोल्डन एडिशन में आ जाना और यहाँ से इंटर कर लेना। ये इंटर करेंगे तो आपका टैली जो है देखिए इस तरीके का ओपन हो गया। तो यहाँ से सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे देखिए लॉगिन अस रिमोट यूज़र दिया हुआ है, क्रिएट कंपनी दिया हुआ है। तो चलिए मैं क्रिएट कंपनी में ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैं थ्री फिंगर में ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है वो चला जाता है। आप देख सकते हैं आपका टैली जो 100% वर्क कर रहा है। अब यहाँ से मैं इंटर में ऐसे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए कंपनी क्रिएशन में। तो इसको मैं जो है कीबोर्ड को हटा देता हूँ। आप जो है माउस कीबोर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, इसमें अच्छे से वर्क कर सकते हैं। OTG से अपने फ़ोन को जो है माउस कीबोर्ड में आप अटैच कर लीजिए और इसको फंसा लीजिए, उसके बाद जो है इसमें आप वर्क कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं टू फिंगर से ऐसे जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपका टैली। तो चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बैक कर लेता हूँ ऐसे। ये बैक कर लिया, फिर से बैक कर लिया, फिर से बैक कर लिया। देखिए बैक जो है आपका बैक काम आता है आपका फ़ोन में। यहाँ से मैंने, अगर आप टैली चलाने जानते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं पूरे जो है बैक कर लेता हूँ। यहाँ से थ्री फिंगर को क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। ये कट करके निशान दिया हुआ है, इसको ओके करना। तो ये मेरा क्या हो गया, टैली जो है यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझको टाइपिंग जो है इंस्टॉलेशन करना है। तो यहाँ पे आपको थ्री बिंदी जो दिखाई दे रहा है लकीर, उसमें आपको क्लिक करना है, इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। यहाँ पे फिर से आपको अदर ऐप में आ जाना है, अदर ऐप के बाद सैंडी लर्न में आना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको सोनम टाइपिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सोनम टाइपिंग में क्लिक किया, देखिए सोनम टाइपिंग जो है इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा दोस्तों एक ट्रिक और बताऊंगा, आपके मोबाइल फ़ोन में जो है टैली नहीं चल रहा है, या कुछ भाई बंधु हैं जिनके फ़ोन में जो है टैली या हेक्सागियर जो है इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप क्या करना, लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना। लेटेस्ट वर्जन जो है बहुत सारी अपडेट्स या पेड आ गया है तो वो वर्क नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ पर मैं ये सोनम टाइपिंग आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना। देखिए अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। मैं सोनम टाइपिंग भी आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो आप पासवर्ड लगाएंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें आपको पासवर्ड वीडियो में कहीं ना कहीं पर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश टाइपिंग में क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो देखिए आ गए। यहाँ पर आप जो है अपना नाम को ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है अपनी जो है यहाँ से टाइपिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये मैंने स्टार्ट क्लिक किया, अब ये देखिए ASDF करके ये आ गया। तो ये आपका क्या होता है, टाइपिंग का स्टार्टिंग होता है। आप जो है अपने कीबोर्ड को अटैच करिए और अपना टाइपिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है ये ASDF, यहाँ पे स्पेस करेंगे तो ये देखिए दूसरे वाले में आ गया। तो आपको चाहे तो आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से अच्छे से नहीं बनता है दोस्तों। आप, मेरा मानना है कि आप कीबोर्ड ले लीजिए और OTG से अपना फिट कर लीजिए। तो इसको मैं जो है बैक कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया ओके। तो सोनम टाइपिंग जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप जो है इसके लिए एक तो फॉन्ट जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से यहाँ पर आ जाना है थ्री डॉट में। अब दूसरी जो टाइपिंग है उसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाना, आपको आपके सिस्टम में जो है टैली नहीं चलेगा, बैक कर देगा, तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, वैसे करेंगे तो वो चलने लगेगा। तो यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन में आ जाना है, फिर सैंडी लर्न में आना है। अब यहाँ पे देखिए टाइपिंग मास्टर में मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये भी जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टाइपिंग मास्टर जो है इंस्टॉल हो रहा है। ये ओके कर देना है आपको, यहाँ से जो भी परमिशन मांगता है वो सभी परमिशन आपको दे देना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, ये फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट में क्लिक करना है, ये नेक्स्ट करना है, ये नेक्स्ट करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में क्लिक कर लेना है, इसको भी नेक्स्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। और ये जो सॉफ्टवेयर है,
ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी चलने वाला है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं तो ये टाइपिंग मास्टर और सोनम टाइपिंग और टैली को जो है डाउनलोड करके उसमें चला सकते हैं। या कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम को आप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हो तो आपके सभी जो है क्या है इसमें चलने लगेगा। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। अब इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो है आपका ओपन हो जाएगा। देखिए लोडिंग करके आ रहा है। यहाँ से आपको क्या कर लेना है, अपने नाम को एंटर कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करना इंटर यूर नेम में, या फिर यहाँ पे कीबोर्ड में टाइप क्लिक करना। यहाँ मैं कर लेता हूँ CNDLearn, ये इस तरीके से। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ कीबोर्ड को और यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। यहाँ से आपको कोर्स स्टार्ट में क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कोर्स स्टार्ट में आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैं ये 1.4 में क्लिक कर लिया। अभी देखिए इसकी ड्रिल जो है ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये खुल गया। आपके पास माउस कीबोर्ड रहेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्रेस किया, स्पेस किया, अब ये जे प्रेस किया, ये स्पेस किया, तो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप OTG से जो है माउस कीबोर्ड लगाए हुए हैं तो आपका ये अच्छे से वर्क करने वाला है। तो इसको देखिए दोस्तों, मैं कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो है आपका प्रो है तो ये अभी कुछ जो है ये तीसरा नंबर से आगे जो है इधर आपको लॉक देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको पासवर्ड मिले, जो लाइसेंस है वो आपको मिले, तो आपको क्या करना है, इसमें 500 जो है लाइक आपको करना होगा। जैसे ही 500 लाइक होगा, जितने हमारे जो व्यूवर्स भाई हैं या सब्सक्राइबर भाई हैं, उन सभी को जो है हम इसका जो है पासवर्ड प्रोवाइड करा देंगे। तो आप फिर इसको क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली में ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे तभी आपको ये जो है चल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए आपको ये थ्री बिंदी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैनेज कंटेनर्स करके दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में आपको क्या करना है, थ्री बिंदी में क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कर लेना। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद देखिए, ये सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये कौन सी नंबर का है। तो ये जो है मेरा टैली है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, टैली करके इंटर कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने ये टैली इस तरीके से मैंने टाइप कर लिया और ओके कर लिया। ओके करने के बाद देखिए ये नेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1280x720 आपको इसमें क्लिक कर लेना है इस तरीके से। अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको और बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद देखिए टैली करके जो कंटेनर लिखा हुआ था 1, वो टैली करके आ गया। अब इसको आप क्या करना, टैली को अपना ओपन कर लेना। अगर आपका टैली कहीं आपके फ़ोन स्क्रीन से बार बार जो है ऑटोमेटिकली बैक हो रहा है तो आपको ऐसा प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा टैली जो है ओपन हो रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर सिस्टम का जितना भी प्रोग्राम है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में चला सकते हैं। तो वीडियो को जो है आप जो है ध्यानपूर्वक अगर आप देखे रहेंगे तभी ही आप इसको इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्क इन एजुकेशनल मोड दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आ जाएंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, या आप जो है अपने माउस कीबोर्ड से करेंगे तो ये हो जाता है। तो चलिए यहाँ से कीबोर्ड को मैं एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के बाद ये इंटर किया। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे गोल्ड एडिशन करके दिए हुए हैं निचले वाले में। अब फिर मैंने यहाँ से इंटर में क्लिक कर दूँगा तो देखिए मेरा टैली जो है ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका टैली 100% वर्क करेगा। आप टू फिंगर की मदद से इसको जूम इन जूम आउट भी कर पाएंगे। पूरी स्क्रीन में आपको करना है, यहाँ से देखिए कंट्रोल्स दिया हुआ है, उसमें से भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मोबाइल फ़ोन में किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करना। तो दोस्तों, थैंक यू ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमेशा जो है आप टैली में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर सेंटर या संस्था से सीखे हुए हैं तो, और टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही नहीं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि कुछ फ़ोन में ये सपोर्ट नहीं करता है, तो आप जो है बार बार ट्राई करने की कोशिश ना करें। वीडियो को पूरा जो देखे हैं उन्हीं को बस ये समझ में आने वाला है।